क्या हुए थे? देखिए हम मुंगेर से लेकर के जमालपुर होते हैं, बढ़ा से लखीसराय होते हैं, मकामा से होते बाढ़ तक हम आए हैं, तो हर जगह एक मई, एक मैं सीधे लोग उधर गए सुलगढ़ा के लोग बोल रहे हैं कि हमारी घर की बेटी है कुमारी अनीता, इसको समर्थन करेंगे। और आदरणीय अशोक महतो जी का नाम का परिचय का मोहताज कोई नहीं है, सब अशोक महतो जी के बारे में जानता है कि कमजोर लोगों को मदद करने वाले हैं, सामाजिक न्याय को लड़ने वाले हैं, इसलिए सब लोग एक मैं गाँव गाँव में चर्चा है, टोला मोहला में हर जगह चर्चा है कि इस बार कुमारी अनीता को टिका में संसद लेना है। सुलझा के जो विधायक घर चले गए उससे कोई अंतर नहीं है। देखिए अपना अपना सबका विचार होता है, लेकिन जनता मालिक है, जनता ने मन बना लिया है। आप गांव में जाके कवरेज कीजिए कि गांव के लोग क्या कर रहे हैं, हर जगह जाके कवरेज कीजिए, काफ़ी मत के अंतर से कुमारी अनीता जी को जितना है, बस एक क्रिया है, प्रक्रिया के हिसाब से सब माहौल बहुत और इतना जोश है, इतना उमंग है कार्यकर्ताओं में, लगता है कि आंधी ला आज हम बैठक है समझा है परखा है और इतनी बड़ी आंधी आने वाली है कि इसका प्रबंधन पूरा महागठबंधन के तमाम घटक दल जो है मजबूती से लगे हुए हैं, एकदम पूरा मजबूती में है, कहीं कोई है ये नहीं। क्या लगता है ललन सिंह से मुकाबला है, मुंगेर हॉट सीट है? नहीं, यही तो हमारी जीत का कारण है कि ललन सिंह हार गया, समझिए अभी हमारे भाषण में हुआ कि ललन सिंह हार गए नीतीश का, इसलिए ललन सिंह को हराना बहुत जरूरी है और ये आतंकवाद के प्राय है, ललन बाबू आतंकवाद के प्राय है, सारे मुखिया को धमका रहे हैं, सारे जिला परिषद को धमका रहे हैं कि तुमको जेल भेज देंगे या नहीं तो मेरे साथ रहो। व्यक्तिगत वोट भी को पहचानते हैं, सब पहचान व्यक्तिगत रूप से होता है, जनता के बीच कभी रहा नहीं, व्यक्तिगत का जो है ना, तो क्या लगता है इस बार जनता जो है, इस बार उनको लोहे की चना चबाना पड़ेगा, लोहे की चना उनको चबाना, इस बार तो क्या होगा उनको तो जनसैलाब कर लिए पूरा, देख ले देखने के लिए बाकी क्या देख लीजिए, उनको हार 100% में 110 जनसैलाब है और सारे लोग यहाँ मौजूद है, सभी तरह के, उनका हारना नीतीश कुमार के हरा देंगे, नीतीश कुमार का हरा देंगे। पता हो गया कि बाकी कहाँ है, पता हो चुका ललन सिंह कुछ नहीं, ललन सिंह है जहाँ अशोक महतो है वहाँ ललन सिंह जीरो पर आ गए, कहीं जाइए देहात में कहीं जाइए केवल इन्हीं का चर्चा ही है, कोई प्रचार करने की जरूरत नहीं है। मोदी लहर कोई ऐसा नहीं आएगा, यह स्थानीय लहर हो गया, मुंगेर बनाम ललन सिंह बनाम मुंगेर, एकदम 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 तैयारी कर रहा है। क्या लग रहा है कैसा माहौल है? माहौल तो हमको कुछ नजरे नहीं आ रहा है, हाँ। एक तरफा लग रहा है कि अशोक महतो का मय है, हाँ। एकदम कैसे जनता की आवाज से, हाँ वोट की चोट से, हाँ मोदी जी भी यहाँ जो आ जाएंगे तो मुंगेर लोकसभा नहीं निकलने वाला है, ऐसा राजद का हार नहीं हुआ था, वहाँ शासन के और प्रशासन के बूते राजद का हार हुआ था, अब भी चलने वाला नहीं है क्योंकि जनता जाग चुकी है, मोदी जी का वो लॉलीपॉप नहीं चलने वाला है, नहीं अब भी सो गया है, और आप लोग जगाइए अभी जाग गया जनते, खुद नेता अभी आराम फरमा रहा है, जनते की आवाज बुलंद लग रहा है, हाँ अपने नेता का परिश्रम कम करना पड़ेगा, हाँ। जनते आवाज निकाल दिया कि हम चुनाव जीत गए, ताकि देंगे, हाँ। अब पता चला वोट मत लगवा दो जुमले बाजिए रह गया, हाँ। इसीलिए हम लोग वोट दे दिए, हाँ। अब हम लोग सब नौजुबक लोग ठाने हैं, हाँ। कि ना पिछले बार के 15 लाख के झांसा में नहीं आएंगे, 2 करोड़ के रोजगार के झांसा में, हाँ। अब आएंगे तो भाई तेजस्वी जी के वादे पर, हाँ।
कि 17 महीना रहे तो 17 साल को भी फेल कर दिए। हाँ, 17 महीना में स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग और भी जितने भी विभाग, हम रैली पंचायत से आए हुए हैं। माहौल तो एक तरफा माहौल है, यहाँ कुछ कहने वाला ही नहीं है। दम अबरी इस बार टक्कर का चुनाव है, दम अशोक में जीतने वाले हैं दम।